Hello students, today we are going to discuss another two types of animal tissue. What are the two types? Muscular tissue and nervous tissue. Muscular tissue, it consists of elongated cell. Muscular tissue consists of elongated cell which are known as muscle fiber and which help in the movement of our body. Muscular tissue has three types. First is a striated muscle, second smooth muscle, third is a cardiac muscle. Striated muscles are also known as skeletal muscle. Why they are known as skeletal muscle? Because they attach to bones. ये क्या है? जो muscles हैं ये bone से attach होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? Skeletal muscle भी बोलते हैं. Striated muscles are voluntary muscle. Voluntary muscle पीस जो हमारी मर्जी से काम करते हैं. इफ़ अगर मैं अब लिख रही हूँ कुछ तो ये मसल्स जो है मेरी मर्जी से काम कर रहे हैं. मीन्स दीज आर द स्ट्रेटेड मसल. इसमें स्ट्रेटेड मसल्स जो है वो काम कर रहे हैं. मीन्स दे आर द वॉलेंट्री मसल जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं. नेक्स्ट इज द दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्ट्रेटेड मसल. अब देखो ये क्या है. एक तो ये अनब्रांच्ड है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है. और इसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होते हैं मसल्स जो हैं, क्यों, इनमें क्या है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और ये क्या है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है. इनके बीच में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो क्या है, मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में ये क्या है, प्रोटीन इनकी हेल्प करता है जिससे हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है. और इस पर क्या है, कुछ क्या है, डार्क बैंड और लाइट बैंड्स होते हैं जिसके कारण इसको, ये क्या है, डार्क बैंड लाइट बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशंस बोलते हैं. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल. नेक्स्ट इज द स्मूथ मसल. दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्मूथ मस्कुलर टिश्यू. अब स्मूथ मस्कुलर टिश्यू दे आर इनवॉलेंट्री. ये क्या है, इनवॉलेंट्री होते हैं. अब ये क्या थे, स्ट्रेटेड मसल्स वॉलेंट्री मसल से, जो स्मूथ है वो क्या है, इनवॉलेंट्री मसल है. और ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड. यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स इनमें क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब यहाँ पे स्ट्रेटेड में क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे. ये क्या है, यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. और क्या है, स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप कौन सी होती है, जो बोथ एंड्स पे नैरो हो और सेंटर में क्या है, ब्रॉड हो. नेक्स्ट इज द वेयर दे आर फाउंड. दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, आयरस ऑफ आई. यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज द कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स. अब कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं, जो हार्ट के हमारे मसल्स होते हैं, हमारी हार्ट की वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं. ये क्या है, हमारी विल के अकॉर्डिंग, हार्ट के जो मसल है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं काम करते, इसलिए दे आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल. दिस इज अ डायग्राम ऑफ द कार्डियक मसल. अब देखो ये भी क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है. इनमें भी क्या है, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट दे आर ब्रांच्ड. अब ये देखो ये क्या है, ब्रांच्ड है, ठीक है. और इसके क्या है, इनमें भी कुछ लाइट स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं. इनमें कुछ बैंड से जो है वो प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या है, दे आर द इनवॉलेंट्री मसल्स. नेक्स्ट इज द नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरोन, नर्व सेल, विच रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज दैट सिग्नल. जो कोई सिग्नल है वो क्या है, एक्सॉन के साथ क्या है, वो हमारी बॉडी तक ट्रांसमिट होता है वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज इम्पल्स. जो नर्व सेल है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द नर्व सेल. नर्व सेल इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल. ये क्या है, एक मीटर लॉन्ग तक भी हो सकती है इसकी लेंथ, क्योंकि इसने क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, मैसेजेस जो है ट्रांसमिट करना. तो इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी. सेल बॉडी है, ये क्या है, डेंड्राइट है. इसको जो लॉन्ग पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सन बोलते हैं. नेक्स्ट आर द नर्व एंडिंग. जो नर्वस टिश्यू है इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स में ये
प्रेजेंट होता है, अगर हम क्या है एकदम हॉट ऑब्जेक्ट को किसी को टच कर ले और इमिडिएटली वी रिमूव अवर हैंड. व्हाई दिस हैपन? बिकॉज जब हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो क्या है हमारे नर्व सेल्स जो है उन्होंने हमारे जो मैसेजेस है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुँचाए और इमिडिएटली वी रिमूव अवर हैंड. सो क्या है नर्वस टिश्यू जो है इस ये क्या है हमारे जो मैसेजेस है बॉडी में उसको क्या है ट्रांसपोर्ट करता है. सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर नाउ. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो.